गाइस आज मैं झांसी के पास की बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पर आया हूँ। ये शहर का नाम है बरुआ सागर। ये झांसी से 21 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे फोर्ट भी है जो मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। वो सागर झांसी देखिए, पुराने टाइम का सिंचाई सिस्टम कैसा होता था। ये तालाब से लगी हुई नहर है जो कि पूरे बरुआ सागर शहर को पानी सप्लाई करती रही होगी। ये पूरा इधर वॉल्व है, ये पूरा यहाँ पे बंद चालू का सिस्टम है और ये पूरा पानी रिसाव के जरिए आ रहा है, निकल के देख पा रहे होंगे आप। वो सामने जो आश्रम है ये देखो, ये नहर जा रही है शहर की तरफ, ठीक है। तो इससे सिंचाई देखिए, मनुष्य क्या कर रहा है, हल्का होने के लिए शायद पानी ले रहा है, बह ना जाए बस। पा रहे होंगे आप, और यहाँ पर जो तालाब है, ये इस तालाब मतलब तालाब की लंबाई और चौड़ाई बहुत काफ़ी अच्छी है और भराव क्षमता भी तालाब की बहुत शानदार है। और यहाँ की खास विशेषता है कि यहाँ पर जब मैं बैठा हूँ तो ये यहाँ से जब ओवरफ्लो होता है, वाटर लेवल बढ़ता है, तो वे चादर बोलते हैं इसको, उसमें पट्टी लग जाते हैं, बंद हो जाता है, फिर उसके ऊपर से पानी निकलता है, तो पानी की जो झरना टाइप बन जाता है बहुत ही शानदार लगता है बरसात के टाइम पे, जो यहाँ से फ्लो करते हुए उधर बेतवरेवर में मिल जाता है ये पानी। तो सावन के महीने में यानी बरसात के आसपास के टाइम में बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी अगर आप यहाँ आना चाहो तो यहाँ पे मंदिर भी है, पूरा आश्रम बना हुआ है, बहुत साफ़ सुथरा है, सुंदर है बैठने के लिए। और यह मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो अगर आप झांसी आते हो और अगर आप निवाड़ी या फिर और आगे निकल रहे हैं इस हाईवे पे, 39 नंबर का हाईवे, तो आप कभी भी यहां पर एक्सप्लोर जरूर कर सकते हैं। बहुत ही शानदार लोकेशन है और प्री वेड शूट भी करा सकते हैं। और जो पीछे किला देख रहे होंगे मेरे, वो बना हुआ है यहाँ से देखिए, काफ़ी सुंदर है वो किला भी। मैं काफ़ी साल पहले गया था तो अभी सारे जो डोर हैं वो क्लोज कर दिए गए हैं। यूँ सुबह सुबह की बात है तो सारे डोर खुले नहीं हैं, तो अपन क्लिप में अकेले जाना प्रेफर नहीं कर सकते, ना ही मैं जाऊंगा। और यहाँ देखो अभी भी पानी बह रहा है, कितना साफ़ सुथरा पानी है, देखो कितना साफ पानी बह रहा है, यहीं से पानी गिरता है और सीधे उधर नदी में जाके मिल जाता है। इधर पास में ही बेतवरेवर निकली हुई है तो वहाँ जाके पानी ये मिल जाता है।